आखिरकार काफ़ी ज़िद्दोजहद के बाद कर्नाटक सरकार ये डिसाइड करती है कि ग्राम पंचायत इलेक्शंस करते हैं पहले मैं आपको बता देता हूँ ये ग्राम पंचायत इलेक्शंस पिछले मई महीने में मई के महीने में ही होने वाले थे लेकिन इस कोविड नाइन्टीन के महामारी चलते हुए इस मतदान को आगे बढ़ाया गया था तो आज एक समाचार आती है कि कर्नाटक के चुनाव आयोग इस ग्राम पंचायत इलेक्शंस को 22 दिसंबर और 27 दिसंबर यानी कि ये इलेक्शंस पूरे दो सरों में होंगे तो मैं आपको बता देता हूँ कि पूरे कर्नाटक में पाँच हज़ार सात सौ बासठ ग्राम पंचायत में इलेक्शंस होने वाले हैं इस ग्राम पंचायत इलेक्शन के नामांकन के लिए डेट डिसाइड किया है ग्यारह बारह और दो यानी कि ग्यारह तारीख को आपको नामांकन पत्र का जो होता है जो आपको सबमिट करना होता है वो लास्ट डेट है और उसकी परीक्षण यानी कि जो डिवाइड करते हैं उसके अगले दिन होगा अगर आप कुछ नामांकन को वापस लेना चाहते हैं या फिर पीछे हटना चाहते हैं तो उसके लिए डेट डिसाइड किया गया है चौदह बारह दो हज़ार बीस को यानी कि जो भी जो भी कैंडिडेट होते हैं जो भी ग्राम पंचायत इलेक्शंस के लिए जो ठहरे होते हैं अगर वो पीछे हटना चाहते हैं तो उसके लिए बारह चौदह बारह दो हज़ार बीस को आप ये नामांकन वापस ले सकते हैं तो, तो ग्राम पंचायत इलेक्शंस में होने वाले मुख्य समाचार ये है कि जो भी इलेक्शंस होंगे वो सुबह सात बजे से लेकर शाम के पाँच बजे के बीच में होगी और कोविड नाइन्टीन के चलते जो भी सोशल डिस्टेंस का जो पालन करना होगा वो पालन किया जाएगा जो राज्य चुनाव आयोग ने ये डिसाइड किया है कि जो ई वी एम मशीन्स जो ई वी एम मशीन्स जो इस्तेमाल करते हैं जो इलेक्शंस uh, के लिए वो सिर्फ़ एंड सिर्फ बीदर ज़िले में इस्तेमाल किए जाएंगे और बाकी के सारे जो भी इलेक्शंस uh, हो रहे हैं वो बैलेट पेपर के ज़रिए ये मतदान होगा और आगे की पल पल की खबर देखने के लिए स्वराज एक्सप्रेस आपके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा और इसकी ग्राउंड रिपोर्ट भी हम आपको जल्द से जल्द देंगे तो जुड़े रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ कैमरा मैन सोहेल के साथ मैं शशि